विदिशा में पिछले दिनों सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों के मदरसे में पढ़ाने का मामला सामने आया था, जिसमें प्रशासन की ओर से जांच कर मामले को गलत बताया था। वहीं आयोग की ओर से सदस्य ओमकार सिंह और डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने आज मदरसा पहुंचकर बारीकी से जांच की। दरअसल कई दस्तावेजों और कागज उपस्थित रजिस्ट्रार सहित वह अपने साथ जांच के लिए लेकर गए। इस दौरान आयुक्त के सदस्यों द्वारा जांच की जा रही थी, उसी समय मालूम हुआ कि पूरे मदरसा मात्र 3 कमरों में संचालित हो रहा है। संचालक के सितंबर माह में मृत्यु हो चुकी है। वहां एक हिंदू शिक्षक और एक मुस्लिम महिला शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। 45 बच्चों का मध्याह्न भोजन वितरण होने की बात कागजों में लिखी हुई है। उपस्थिति रजिस्टर में अधिकांश बच्चों के उपनाम जाति के रूप में नहीं लिखे गए हैं। साथ ही साथ कई और खामियां भी यहां दिखाई दी। 3 कमरों में बच्चे पढ़ भी रहे हैं। वही स्टोर रूम है, वही रसोई घर भी बनाया गया है, जबकि मदरसा 3 कमरों में कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहा है। आयोग के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई खामियां हैं। कई हिंदू बच्चे भी मदरसे में पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो नियमानुसार गलत है। व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के मदरसे और संस्था बंद कर देनी चाहिए। मदरसा स्कूल होने की वजह से ट्यूशन से बुरी स्थिति में संचालित हो रहा है। बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व एनजीओ संचालक द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शासकीय स्कूल तोपपुरा के कई बच्चों के मदरसों में जाकर पढ़ने की शिकायत की थी। उसी को लेकर आयोग द्वारा अपने 2 सदस्यों को जाँच के लिए भेजा गया था। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। हाँ, यहाँ हिंदू समाज के भी बच्चे हैं, और असल में यहाँ जो बच्चे हैं उनका ये कहना है वो पहले पहले दिन आए हैं यहाँ पे, तो या तो यहाँ पर बच्चे नहीं है, और जो 45 बच्चों का मध्याह्न भोजन दिखाया जा रहा है वो केवल कागजों पर है। क्योंकि अभी हमने देखा तो एक शायद 2 लोगों के खाने का खाना बना हुआ है, और बच्चों के लिए खाने की भी सुविधा नहीं है, टीचर की भी सुविधा नहीं है। टीचर के नाम पे केवल एक टीचर है जिन्होंने केवल एमए किया है, और एक टीचर है जो 12th पास है, और जो उर्दू सिखाती है वो भी 11th पास है। पुराने समय पे जो 11th होता था केवल उतना ही है उनका, बाकी कोई टीचर नहीं है यहाँ पर। मदरसे के संचालकों में से कोई मिला आपको? नहीं, उनका कहना है मदरसे संचालक का अभी निधन हो गया था सितंबर माह में। कोई नहीं है सब्स्टिट्यूट यहाँ पर उनका, उनका कहना ऐसा है। अभी वहाँ कोई भी नहीं मिला है, और वो कुल मिला के मदरसा तो नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो ट्यूशन से भी बदतर जगह है। नियम अनुसार यहाँ पर दूसरे रिलीजन के बच्चे पढ़ सकते हैं क्या मदरसे? नहीं पढ़ सकते। कितने बच्चे यहाँ पे अभी रजिस्टर हमने दस्तयाब किए हैं, अभी उनका अध्ययन नहीं किया है। जितने बच्चे मिले हैं उसमें से हिंदू बच्चे भी हैं 21, और जो अभी हम लोगों ने देखा तो एक पहली से लेकर 8वीं तक संचालित होता है, तो कम से कम 8 कमरे तो होने चाहिए। 3 ही कमरे हैं यहाँ पे, वही 3 कमरे स्टाफ रूम है, वही 3 कमरे स्टोर रूम है, वही 3 कमरे बच्चों के लिए, और कोई रूम इसमें है नहीं। ना तो वहाँ बिजली की सुविधा है ढंग से, और जो रसोई और जो शौचालय है वो बिल्कुल पास पास में बने हुए हैं। पता नहीं बच्चे कैसे खाना खाते होंगे। दूसरे रिलीजन के जो बच्चे हैं उनकी भी मैपिंग है यहाँ पे, सबकी मैपिंग है। लगभग 37 बच्चे हैं, तो उनके 21 बच्चे दूसरे रिलीजन के हैं, उनकी भी मैपिंग है। तो इसमें शासकीय अधिकारी जो जिम्मेदारी है वो जिन्होंने निरीक्षण नहीं किया यहाँ पे बिल्कुल लिखेंगे। 2018 के बाद से यहाँ पर निरीक्षण नहीं हुआ है। अभी जितने उसमें से तो है 3-4 बच्चे जो आज मिले हैं हमें, उसमें से 3-4 बच्चे जो है वो दूसरे धर्म के हैं। क्या दूसरे शासकीय स्कूलों के बच्चे भी यहाँ? हाँ, शासकीय स्कूलों के भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं कहीं और, आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं शायद से। मगर कॉपियां और पुस्तकें भी कुछ चेक की हैं, उससे क्या लगा आपको? बच्चों को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मैंने बच्चों को। कहा नहीं, यहाँ के मदरसे के संबंध में और स्कूल के संबंध में उस शिकायत को लेकर के आज हमारा विजिट था। बहुत कुछ में ये पाया गया यहाँ की व्यवस्था है नहीं कोई ऐसी, बच्चों का भविष्य यहाँ बर्बाद हो रहा है, और अगर ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा तो आयोग उस पर निगरानी रखेगा, और ऐसी संस्थाएं तो बंद होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ पे पाए गए हैं क्या वो यहीं पे स्कूल में दर्ज है, मदरसे में दर्ज है? हाँ है, अभी जांच नहीं है, हैं उसमें रिकॉर्ड हमने ले लिया है, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है। आपके जो सवाल हैं उन सवालों को भी हम खंगालेंगे। और आपने बच्चों को स्वीकार किया कि यहाँ पे बच्चों का भविष्य बर्बादी में है? बिल्कुल आयोग का काम निगरानी का है, ठीक है, और आयोग उसमें उसी दृष्टि से यहाँ आया है, और हम कार्रवाई करेंगे, आपको आश्वासन देते हैं हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। ऐसी ही संस्थाएँ